मध्य प्रदेश और गुजरात देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण मजदूरी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बहुत कम है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश में औसत ग्रामीण मजदूरी 229.20 रुपये और गुजरात में 241.90 रुपये दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 345.70 रुपये का है। देश भर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण मजदूरी केरल में दर्ज की गई, जहाँ पर औसत मजदूरी 764.30 रुपये दर्ज की गई। सर, कैसे समझा जाए इस आंकड़े को? रिजर्व बैंक का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। गुजरात, जिसे कि भारत में विकास के मॉडल स्टेट के तौर पर पेश किया जाता है, वहां पर सबसे कम ग्रामीण मजदूरी की दर है। और ये भी बताता है कि गुजरात में ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच जो खाई है, जो कमाई की इनकम की आपकी, वो और ज्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, जो कि भारत का प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं है, और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कृषि सबसे बड़ा पेशा है, और कृषि को लेकर वहां तमाम तरीके की घोषणाएं भी की जाती है, पर औसत मजदूरी अभी भी 229 रुपए है। इस मजदूरी को आप इस तरह से ध्यान देकर देखें कि यह मनरेगा की मजदूरी से थोड़ी सी ही ज्यादा है, और इसके आधार पर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि भारत के एक बड़े हिस्से में ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रेस या खर्च में कमी या गरीबी की समस्या लंबे समय तक क्यों रहती है। और इस साल जब हम 2 साल बाद कोविड से उभरने के बाद भी लगातार कंपनियों की तरफ से शिकायत होती देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों से मांग नहीं निकलती, तो उन आंकड़ों को की पुष्टि या उन इस तरीके की जो आशंका है उनकी पुष्टि ये रिजर्व बैंक के आंकड़े करते हैं कि भारत में अभी भी ग्रामीण मजदूरी के दर बड़े राज्यों में, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 250 रुपए से ऊपर नहीं पहुंची। 300 रुपए से ऊपर तो देश में ज्यादातर जगह नहीं पहुंच पा रही है, और ये ग्रामीण क्षेत्र की मांग को, उनकी जिंदगी बेहतर करने को और खर्च को प्रभावित करती है, क्योंकि जब रूरल एरिया में वेजेस की ग्रोथ ही नहीं होगी तो नए डिमांड और नए तरीके के निवेश या नए तरीके के खर्च नहीं आएंगे। एक चीज यहां ध्यान रखना और भी जरूरी है कि कृषि क्षेत्र, ग्रामीण इलाके की आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा अभी भी केवल 40% ही है, क्योंकि साल में खेती के अलावा कामों के लिए 60% मजदूरी के लिए ग्रामीण इलाके के लोगों को अन्य दूसरे सहायक कामों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके लिए वो शहरों में जाकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम करते हैं। जब ग्रामीण मजदूरी की दर कम होती है तो जो सहायक कार्यों में जहां पर काम मिलना होता वहां मजदूरी की दर भी कम रहती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन उसी मजदूरी से होता है। जब गाँव में 229-230 रुपए के आसपास की दिहाड़ी खेती में मिल रही तो अन्य कामों में भी फिर उतनी उतनी बेहतर मजदूरी नहीं मिलती है।